नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित भाटी चैनल में स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा था कल जो हमारी क्लास हुई थी वो आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की मेरी क्लास थी। आज टॉपिक यानी कि मतलब हम 1943 तक कवर कर चुके हैं। जो 1943 हमारा था वहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी। ये हमारा कल लास्ट टॉपिक था और उसके बाद मैंने आपको कराया था लाल किले का मुकदमा। और लाल किले का जो मुकदमा चला था वो तीन आदमियों पर चला था। ये एक बार मैं आपको फिर बता दूं, कैप्टन प्रेम सहगल, कैप्टन शाहनवाज और कैप्टन ढिल्लन। ये कल का एक बार रिवाइज करा दूं कि मैंने अभी आपको कराया क्या था, कि तीन आदमियों पर लाल किले का मुकदमा चला था। पहले नंबर पर कैप्टन सहगल थे, दूसरे नंबर पर कैप्टन शाहनवाज थे और तीसरे नंबर पर कैप्टन ढिल्लन थे। इन तीनों को बचाने के लिए भारत में जो अच्छे वकील थे वो सामने आ जाते हैं, लेकिन सी राज गोपालाचारी किसी भी ये मान लीजिए कि किसी भी विद्रोही का या किसी भी कैदी का केस लड़ने से मना कर देते हैं। और मैंने यहाँ तक भी कल आपको कराया था कि शाहनवाज जी ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था आज़ाद हिंद फौज और उस पर चले मुकदमे, आज़ाद हिंद फौज और उस पर चले मुकदमे। देखो ध्यान रखना, मैं तो छोड़ो, अगर भगवान श्री राम भी यहाँ आकर तुम्हें पढ़ाने लग जाएं तो वो पढ़ाना बेकार है। और आपने सुना होगा कि वो पढ़ी पढ़ाई धूल है जिसका पढ़ के अमल किया ना। मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना बेकार है कि जो मैं आज पढ़ाऊँ और वो कल को तुम्हारे याद ना हो। ये चीज़ पढ़ाई ऐसी है कि आप पढ़ोगे तो कल तक याद रहेगी, परसों तक याद रहेगी, तरसों तक रहेगी, पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी अगर आप उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे तो वो आप याद रहेगी और थोड़ी देर बाद उसे आप भूल जाओगे। तो कल मैंने आपको सिर्फ तीन ही चीज़ बताई थी, एक तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, इसके बाद मैंने आपको जो बताई थी वो कराई थी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी बताई थी। छोटी सी कहानी इतनी थी कि इनका जन्म कटक में हुआ था, बंगाली परिवार में हुआ था, 1920 में ICS की परीक्षा पास करी थी। 1920 से लेकर और 1939 तक इन्होंने कांग्रेस में एक सदस्य और अध्यक्ष के रूप में काम किया था। 1938 में इन्होंने चुनाव लड़ा और हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी। 1939 में इन्होंने फिर चुनाव लड़ा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, थोड़ी सी एक घटना घट गई थी। इन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव में दूसरी तरफ गांधी जी का चेला था जिसका नाम पट्टा भी इसी तरह मैया था, यह हार गए थे। तो गांधी जी इस बात से बड़े नाखुश हुए, इसलिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। कल मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था, मतलब कल ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका था बिल्कुल, कि मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया है जो सारी चीज़, ये मान लो कि वो आपका बिल्कुल अब तक क्लियर था। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है। वो कौन सा टॉपिक है? टॉपिक होगा आज मेरा शिमला समझौता। शिमला समझौता दो बार हुआ है, लेकिन अभी हम 1950 से पहले की कहानी पढ़ रहे हैं। शिमला समझौता 1945 आखिर है जी, अच्छा शिमला समझौता 1945 आखिर क्या विवाद था और क्या क्यों शिमला समझौता ले आया गया। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, पढ़ा करने का मतलब क्या है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो फैक्ट आज याद रहेगा, उसे कल भूल जाएगा। मैं हर चीज़ को एक कहानी के रूप में इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ। मान कर चलो मैं आपसे पूछने लगूँ कि भैया मुझे गाजियाबाद जाना है, आप कहते हो गुरु जी नाक की सूद चले जाओ गाजियाबाद है। अब नाक की सूद का मतलब पता नहीं, कहीं नाला आ सकता है, बम्बा आ सकता है, मैं गिर सकता हूँ, चोट भी लग सकती है। लेकिन मान के चलो मैं किसी दूसरे बच्चे से रास्ता पूछता हूँ कि भैया मुझे गाजियाबाद जाना, तो वो कहेगा कि गुरुजी पहले ये गांव आएगा फिर ये वाला गांव आएगा, उसने मुझे 50 चीज़ बताई। अगर मैं गाजियाबाद तक पहुँचा तो मुझे 50 चीज़ तो याद नहीं रहेंगी, क्या मुझे 5 चीज़ याद रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपको कहानी पढ़ाता हूँ कि अगर डायरेक्ट मैंने फैक्ट लिखवा दिए तो फैक्ट में तो एक क्वेश्चन याद है, वो अब याद है, 2 घंटे बाद भूल जाएगा। लेकिन जब कहानी पढ़ा दी उस कहानी में से कम जो मैं 100 चीज़ बताऊँगा, अगर वो 10 भी याद रख लेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी पढ़ाई सक्सेसफुल हुई, उसने 10 क्वेश्चन याद करे। बस इसीलिए मैं चीज़ आपको अलग थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है भैया, चीज़ देख लो। अब शिमला समझौता क्यों आया वो चीज़ देखो। सन 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मैंने आपको कल बताया था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में जब समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में हुए चुनाव। जब चुनाव हुए तो वहाँ पे एक पार्टी बनती थी जिसका पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार बनती है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और उन आम चुनाव, कल मैंने आपको बताए थे चुनाव 3 प्रकार से होते हैं, आम चुनाव, मध्य अवधि चुनाव और उपचुनाव। तो ब्रिटेन में जब आम चुनाव हुए
उन आम चुनाव में, जैसे हमारे यहाँ इस समय बीजेपी की पार्टी है, इसी समय वहाँ पर लेबर पार्टी थी, और जो इसके प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। अब एक बात और सुनो, यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर विवाद था। क्या? एक तो कांग्रेस का विवाद था, किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। भैया ये चीज़ बड़े प्यार के साथ समझना, क्योंकि मुस्लिम लीग मैंने आपको कराई नहीं है, इसे कराऊंगा अलग से टॉपिक। कांग्रेस की मुस्लिम लीग से नहीं बन पा रही थी। उधर दूसरी बात क्या थी, कभी कांग्रेस सपोर्ट करती है तो मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं करती, कभी ये सपोर्ट करती है तो कभी ये सपोर्ट नहीं करती। बात पहले दो राष्ट्रों की चल रही थी, फिर बाद में दो संविधान सभाओं की मांग आ गई। अब 1942 में आपने सुना होगा क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन जब आया था, क्रिप्स मिशन को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जब स्थिति खराब हुई तो उन्होंने भारतीय लोगों से, यानी कि भारत के बड़े बड़े नेताओं से ये कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा तो आने वाले एक साल बाद या युद्ध की समाप्ति के पश्चात हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इसे गांधी जी ने कहा, भैया हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक या ऐसे बैंक का चेक जो खुद ही डूब रहा हो कहकर उसे वापस कर दिया था। तो इस समय मतभेद था किस किस के बीच, अंग्रेजों के बीच में और भारतीय नेताओं के बीच में। उस विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता रखा गया, जिस समझौते का नाम क्या था भैया, शिमला समझौता। आप समझ में आ गए शिमला समझौता क्यों रखा गया, फिर दोबारा सुन लो, कोई परेशानी नहीं है, बताने में कोई समस्या नहीं है। कोई 50 बार भी पूछे तो मैं 50 बार भी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे याद तो करो। शिमला समझौता सबको पता है, 24 जून 1945, डेट भी लिख लेना अगर किसी को लिखनी हो, 24 जून 1945। आखिर शिमला समझौता आया क्यों था, पहली बात याद थी। और शिमला समझौता लाने की वजह मैं ये थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, ब्रिटेन में आम आदमी, सॉरी माफी चाहूँगा, लेबर पार्टी की सरकार बनी, और जिसके जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली को बनाया गया। अब उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। क्या नाम था भैया जी, इन्हें और समझ लो बस एक बार, लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी उन बड़ी बड़ी पार्टियों से कहा कि भैया एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया, कई बार ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी कह देते हैं और शिमला समझौता, क्योंकि जो समझौता हो कॉन्फ्रेंस कह दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बताया जाता कि यहाँ पे 21 लोगों ने भाग लिया, लेकिन गांधी जी ने भाग नहीं लिया, जबकि गांधी जी उस समय शिमला में ही थे। इन्होंने भाग नहीं लिया, सरदार पटेल ने भाग लिया, नेहरू जी ने भाग लिया, आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया, आज अब्दुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया, लेकिन इन्होंने भाग नहीं लिया। अब होता क्या है भाई, अगर 10 आदमी कहीं जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं भाई क्लास में अगर 10 आदमी हैं तो मैं कहूँगा भाई एक क्लास का मॉनिटर है। इसी तरीके से कांग्रेस ने क्या करा कि खान अब्दुल गफ्फार खान, भैया समझना एक मिनट, समझना कौन सी बात कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ रहे हैं, और फिर ये दोनों अगर भारत के हैं तो इनकी लड़ाई फिर किससे, ब्रिटेन से है, किससे है भाई। मेन बात तो ये थी कि भारत के दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, मान लो इधर हिंदू थे इधर मुस्लिम थे, और अब इन दोनों की लड़ाई है ब्रिटेन सरकार से, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया भाई हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ में। अब 1935 में जैसे 45 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो कांग्रेस ने 2 सदस्य भेजे यहां पर अपनी तरफ से, सदस्य तो बहुत गए थे लेकिन जिन्हें मैन बना के भेजा उनमें पहले नंबर पे थे खान अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल कलाम आजाद जी को भेजा। देखो इस बात को अब समझो भैया, थोड़ी सी इंटरेस्टेड कहानी हो गई, बस कैसे हो गई वो देख लीजिए। मुस्लिम लीग इस बात से चिढ़ गई कि तुम्हारी जब हिंदुओं की पार्टी है तो तुम्हें हिंदू भेजने चाहिए थे, तुमने तो मुसलमान भेजे हैं। भाई ये कौन सा तरीका हुआ भाई, अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो पार्टी तो सबकी है, तुम ये कैसे कह रहे हो कि हिंदुओं की पार्टी है। जब मुस्लिम लीग इस बात से खफा हुई, बहुत ज़्यादा नाराज हुई, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें भाग लिया शिमला समझौता में। जब शिमला समझौता ऐसा बता दें कुछ दिन बाद स्थगित हो गया, 11 जुलाई 1945 को ये सीधे जाकर लॉर्ड वेवेल से मिलते हैं, और लॉर्ड वेवेल से ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अगर कोई भी काम होगा या मुसलमानों के लिए कोई सदस्य नियुक्त किया जाएगा तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा चुना जाएगा। जो आदमी मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया मुसलमान है उसी को हम तुम्हारे सदस्य मानेंगे, बाकी हम किसी को सदस्य नहीं मानेंगे। अगर हाँ एक बात और, किसी कारणवश आपके यहाँ किसी मुसलमान व्यक्ति की जरूरत पड़ती है या वेवेल की कार्य परिषद में किसी मुसलमान की जरूरत पड़ती है तो उसे आप खुद नॉमिनेट नहीं करेंगे,
इसे नॉमिनेट हम करेंगे, हम करके भेजेंगे। तो बताओ ये सारी बात क्या अच्छी थी? इसी बात को लेकर विवाद हो गया दोनों पक्षों में, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, और शिमला समझौता पूरी तरीके से विफल घोषित हुआ। एक कहानी के रूप में थोड़ी सा आपको फिर बता दूं, शिमला समझौता 1945 में हुआ। होने की वजह यह थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारतीय राष्ट्रीयवादी नेताओं में और ब्रिटेन की सेना के बीच जो मतभेद चल रहा था, उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल से एक शिमला समझौता या शिमला कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जिसमें भारत के सभी लीडर को, उस पार्टियों के लीडर को बुलाया जाता है। ऐसा बताते हैं कि उसमें कुल 21 लीडर पहुंचे थे। गांधी जी उस समय शिमला में ही थे, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया था। अब कांग्रेस वहां पर जो अपने मेन सदस्य भेजती है वो खान अब्दुल जी को भेजती है और अबुल कलाम आज़ाद जी को भेजती है। इसे लेकर मुस्लिम लीग छिड़ जाती है। अब दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद तो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब मोहम्मद अली जिन्ना शिमला समझौता में भाग लेते हैं। किसकी तरफ से? मुस्लिम लीग की तरफ से अकेले जिन्ना जी जाते हैं, और जिन्ना जी 11 जुलाई को लॉर्ड वेवेल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि पूरे मुसलमानों के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो वो किसके द्वारा माना जाएगा? मुस्लिम लीग पारित करेगी। अगर आपके यहाँ पर किसी मुस्लिम व्यक्ति की आपकी कार्यप्रणाली में जरूरत पड़ती है तो उसे आप खुद चयनित नहीं करेंगे, उसका चयन कौन करेगी? मुस्लिम लीग करेगी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद या विवाद हो गया और शिमला समझौता पूरी तरीके से विफल घोषित हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो भैया मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, किसी भी भैया को कोई भी दिक्कत हो रही हो, खान अब्दुल गफ्फार खान जी या अबुल कलाम आज़ाद में किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, चाहे बेशक कम बैठे हो, कोई नहीं, कोई भी दिक्कत हो रही हो बता दिया करो मुझे। इसके बाद अगले टॉपिक पर आएँ तो टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है आज का, वो है 1945-46 के आम चुनाव। 1945-46 के आम चुनाव ये क्या थे भैया, इसको और समझ लो। इसके बाद में बस हमारी कल से, अच्छा एक बात और, जो लोग अपने फायरमैन या जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ से ना घबराएं कि भैया हमारा कोर्स नहीं होगा। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अभी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तबीयत ख़राब की वजह से मैं भी पूरी क्लास नहीं ले पा रहा था, ना बीच में यहाँ पे आप पहुँच पाया आपकी क्लास लेने के लिए। बहुत जल्दी 3 या 4 दिन में आपकी एंशियंट हिस्ट्री शुरू कर देंगे और लगभग 15-20 या 30 दिन में, ज़्यादा ज़्यादा 25 दिन की क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा टॉपिक आपका। इसके बाद आप बिल्कुल परेशान ना हो, हर दूसरे दिन आपको ये करंट की क्लास दी जाएगी और बाकी आपका ये कल या परसों में आपकी आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। 1945-46 में जब आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि चुनाव दो प्रकार से होते हैं, एक वो चुनाव जहां हम अपने मत का प्रयोग करते हों वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और जहां हम मत का प्रयोग ना करते हों वो सारे चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। अब होता क्या भैया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं, यहां तक आप समझना मेरी बात को, यहां तक कि अंतरिम सरकार में भी गड़बड़ी करेगी मुस्लिम लीग। क्या गड़बड़ी थी उसे सुन लीजिए। 1945-46 में जब आम चुनाव हुए तो हुआ क्या था, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने, जो थोड़े उदारवादी थे, जो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन जैसी कंडीशन में है वैसी में ना छोड़ा जाए, उन्हें थोड़ा कुछ सिखा के बता के और उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, उनकी प्लानिंग ये थी। तो सन 1945-46 में ये भारत में आम चुनाव कराने का आदेश देते हैं। तो जब आम चुनाव कराने का आदेश देते हैं तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उस समय, मुस्लिम लीग भी अच्छी पार्टी थी, कांग्रेस अपनी सामान्य सीटों पर अच्छा काम नहीं कर पाती है। फिर समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है, उधर मुस्लिम लीग मुस्लिम क्षेत्रों में या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते फिर भी सरकार बनाने का नौता किसको मिलता है? कांग्रेस को मिलता है। किसको मिलता है भैया? अंतरिम सरकार जो बनेगी उसे सुनते रहना आराम से, कांग्रेस सरकार बनाती है लेकिन इस सरकार में जुड़ने से बिल्कुल मना कर देती है। कौन? मुस्लिम लीग। ये कह देती है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करेंगे। एक तरीके से अब कांग्रेस ने सरकार बना ली, मुस्लिम लीग की लड़ाई तो पहले से चल रही है ऑलरेडी, लेकिन अब ये मना कर रही है कि हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये आपसे पूछेगा, जो 1945-46 के आम चुनाव हुए, कांग्रेस उस तरीके से अपना रुतबा नहीं जमा पाई जिस तरीके से उसे जमाना चाहिए था।
ये छोटी पार्टी होने के बावजूद भी जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते या ज़्यादा सीट होने के नाते सरकार बनाने का न्योता किसको मिला? कांग्रेस को मिला। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मत करना। लेकिन एक व्यक्ति थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिखा था, लॉर्ड वेवेल। क्या लिखा था भैया? लेकिन इतना पहले चलो एक चीज़ और समझ लीजिए, वो क्या भैया? जब इन्होंने मना किया तो मना करने के बाद में बंगाल में और बिहार में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। दंगे भड़केंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ेगा, मुस्लिम हिंदू से लड़ेगा। और मुस्लिम लीग ने 16 तारीख को, कौन सी तारीख को भैया? 16 तारीख को, 16 दिसंबर 1946 को, 16 दिसंबर 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कर दी और अपना काम शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन कुछ समय उपरांत लॉर्ड वेवेल के कहने पर, किसके कहने पर भैया? लॉर्ड वेवेल के कहने पर या लॉर्ड वेवेल के समझाने पर, लॉर्ड वेवेल के समझाने पर मुस्लिम लीग मान जाती है और कांग्रेस के साथ मिलजुल कर अंतरिम सरकार में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इन्होंने कहा मिलेंगे तब, लेकिन उससे पहले एक शर्त रख दी गई कि इनके एक सदस्य थे जिनका नाम था लियाकत अली। क्या नाम था बॉस? लियाकत अली जी को वित्त मंत्री बनाया गया। देखो समझने की कोशिश करना, ये जो अंतरिम सरकार थी, इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने पहले से आने से मना कर दिया, और जब मना किया तो इन्हें मनाया गया हाथ जोड़े हों या दादागिरी जो कुछ भी किया हो इनके साथ में, मैं नहीं जानता, ना ऐसा कहीं कुछ लिखा है कि हाथ जोड़े हों या इन्हें किसी प्रेशर से बुलाया गया हो। बस इतना लिखा है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि लॉर्ड वेवेल के मनाने पर या लॉर्ड वेवेल के कहने पर मुस्लिम लीग राजी हो गई। कहने पर, कांग्रेस में आने पर, और इनके एक सदस्य लियाकत अली को वित्त मंत्री बना दिया गया। यानी कि भारत का प्रथम वित्त मंत्री किसे घोषित किया गया? लियाकत अली को किया गया। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये आदमी तो इनसे कह ही तो दिया, साथ में क्या ये पक्ष में थोड़ी आ गए? अब आपसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार सही रूप से काम नहीं कर पाई क्यों? अंतरिम सरकार सही रूप से काम नहीं कर पाई क्यों? उसका कारण क्या था? पहला तो ये कि मुस्लिम लीग पक्ष में नहीं थी, दूसरी बात ये कि जो वित्त मंत्री थे वो भी पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाई। 1945 तक हम पहुंच चुके हैं। अगला टॉपिक देख लो भैया, अगला टॉपिक कौन सा है? मैंने बिल्कुल शुरू से किया था आपको 1942, 1943, 1944, 1945 और 1946। मैंने आपको कल से लेकर आज तक सिर्फ ये टॉपिक बताए हैं। यहाँ बताया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, यहाँ बताया था मैंने आपको आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपना, यहाँ एक वर्ड रह गया मैं आपको नहीं बता पाया था कल शायद, CR फॉर्मूला। ये CR फॉर्मूला आप जो YouTube के माध्यम से क्लास कर रहे हैं कल मुझे बताएंगे कि ये या कमेंट्स करके बताएंगे ये CR फॉर्मूला कौन ले। वैसे नाम तो देखो लिख ही दिया मैंने चक्रवर्ती, लेकिन फिर भी आप ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला कब आया था, वो डेट बताएंगे 1944 में कब थी। 1945 मैंने अभी आपको कराया था कि 1945 में आम चुनाव हुए थे और इस आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही थी, और अच्छी ना रहने के बावजूद भी कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता मिला था और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने जुड़ने से मना कर दिया था। लेकिन लॉर्ड वेवेल के कहने पर या लॉर्ड वेवेल के मनाने पर मुस्लिम लीग राजी हो गई और मुस्लिम लीग के एक सदस्य लियाकत अली जी को भारत का प्रथम वित्त मंत्री, यानी कि अंतरिम सरकार में प्रथम वित्त मंत्री जो घोषित किया गया वो लियाकत अली को घोषित किया गया। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है उसे और देख लीजिए भैया, ये है हमारा आई एन विद्रोह। ये आई एन विद्रोह देख लीजिए भैया क्या है। आर आई एन विद्रोह 1946, और इसके बाद मेरी लगभग हिस्ट्री का टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। देखो इसे देख लीजिए भैया, कहीं कहीं ये विद्रोह तीन नामों से जाना जाता है, कहीं तो लिखा होता है हिंदी में ऋण विद्रोह, कहीं लिखा होता है RIN रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, कहीं लिखा होता है नेवी विद्रोह,
कहीं लिखा होता है बॉम्बे विद्रोह। तो इस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होना कि भैया जी तुम एक एक बात के तीन मतलब बता रहे हो। तो कहीं कहीं हिंदी में यूँ भी लिखा आ सकता है ऋण विद्रोह, कहीं इंग्लिश में भी आ सकता है। फुल फॉर्म है इसकी रॉयल इंडियन नेवी। विद्रोह कब हुआ? 1946 में। या तो इसे बॉम्बे विद्रोह कह दीजिए या कह दो ऋण विद्रोह, बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ये ऋण विद्रोह हुआ क्या था? बॉम्बे में एक जहाज था, जिस जहाज का नाम मैं आपको बता दूं, जहाज का नाम था इसके का HMIS तलवार। ये जहाज का नाम था HMIS। अभी तक भारत आजाद नहीं था, तो भारत के कुछ व्यक्ति सेना में भर्ती थे। उनके साथ क्या था? उनके साथ गलत बिहेव किया जाता था। मान लो तुम्हें खाना दूसरी तरीके का मिल रहा है, इन्हें खाना दूसरी तरीके का मिल रहा है, तो एक तरीके से क्या था, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो आपसे ये पूछा गया, कई बार ये सवाल मैंने आता देखा है कि विद्रोह किस पर शुरू हुआ था, तो कई बार इतना ही लिखा होता है सिर्फ कि तलवार विद्रोह, कि कौन सा जहाज था जिस पर सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो तलवार विद्रोह था, सॉरी माफी चाहूंगा, तलवार जहाज था और उसका पूरा नाम था HMIS तलवार, जिस पर सैनिकों के साथ हो रहे गंदे बिहेव को समाप्त करने के लिए सैनिकों ने खुद आवाज़ उठाई थी, लेकिन सैनिकों की आवाज़ को दबा दिया गया। अंत में ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीज में लिख दूँ आपके सामने, सरदार पटेल जी प्लस मोहम्मद जिन्ना जी के कहने पर जितने लोग ये विद्रोह कर रहे थे, इन सब ने मिलकर आत्मसमर्पण कर दिया। आज की मेरी क्लास का ये लास्ट टॉपिक था। क्लास भैया पढ़ने वालों से आपसे सिर्फ एक ही मेरा निवेदन है, क्लास पहली बात तो ये है कि क्लास लिखने के बावजूद एक बार इसे कहानी सुने, सुनने के बाद एक बार जो आपको फैक्ट ऐसे लिखें कि याद नहीं हो पाएगा उसे कॉपी में ज़रूर लिख लें। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना करना वो तो डिपेंड आपके ऊपर होता है, बसरते आपके कमेंट्स करने से या आपके लाइक करने से ये नहीं कि करोड़पति बन जाते हैं, बस ये कि एक टीचर का मनोबल बढ़ता है कि हाँ बच्चे उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और कोई आदमी अंदर से तभी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है कि जब उसे लगता है कि बच्चे भी पढ़ने के लिए कोऑपरेट होते हैं। मान लीजिए एक टीचर यहाँ पर खड़ा होकर पूरी मेहनत करता है और मुझे क्या पता फिर आपकी समझ में आया या नहीं आया, जब तक आप हाँ जी या ना जी का जवाब नहीं दोगे तो मुझे क्या पता पड़ेगा कि बच्चों की समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो विनती ये की जाएगी, मैं फिर अपने इस क्लास में आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे एक ही विनती रहेगी कि अगर आप में से कोई भी UPSI की तैयारी कर रहा हो तो उसमें IPC एंड CRPC इसकी क्लास चाहिए तो मेरे आप कमेंट्स में जाके हाँ लिख के बताएंगे कि हाँ सर हम UPSI की तैयारी कर रहे हैं और इसकी एक क्लास चाहिए। स्टैटिक्स GK की क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे बताएं कि भैया करंट की अलग करें, स्टैटिक्स GK की अलग क्लास करें, इन दोनों की अलग अलग क्लास करनी है या करंट के साथ स्टैटिक जोड़ के पढ़ाना है। ये आज हमारी पहली क्लास थी, ये सक्सेस रही या अनसक्सेसफुल रहेगी ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद।